जय कुमार वाघेला, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष महादलित परिसंघ। आ आवेदनपत्र एटला माटे आपवामां आव्युं के महाराष्ट्रनी अंदर पीपलदरा गाम छे जे नागपुर जिल्लानुं छे अने त्यां एक दलित युवाननी एक कांग्रेसना कार्यकर्ता जेनुं नाम छे मयूर उमरकर जेओए दलित युवानने मारी मारीने तेनी हत्या करी नाखी अने ज्यारे आ बाबते पोलीसनी अंदर केस करवामां आव्यो तो पोलीस आनी निष्पक्ष तपास नथी करती। एनु कारण एक ज छे के जे आरोपी छे मयूर उमरकर जेना संबंधी अत्यारे हाल महाराष्ट्र शासन में गृहमंत्री छे, होम मिनिस्टर छे अनिल देशमुख जी, एमनो आ आरोपी संबंधी छे अने एना लीधे पोलीस निष्पक्ष तपास करती नथी। तो आ दलित समाज पर कांग्रेस तरफथी ने कांग्रेसना कार्यकर्ताओ तरफथी ने महाराष्ट्र शासनथी घणो अत्याचार थई रह्यो छे। તમે ગુજરાતમાં આવેદનપત્ર આપ્યું છે, ગુજરાતમાં પણ ઘણા દલિત નેતાઓ છે જે કશું નથી બોલી રહ્યા, તે વિશે તમે શું કહો છો? હવે હું ગુજરાતના દલિત નેતાઓની વાત કરું તો એક્ઝામ્પલ તરીકે જિગ્નેશ મેવાણી, જિગ્નેશ મેવાણી જ્યારે મહારાષ્ટ્રની અંદર ભાજપની સરકાર હતી ત્યારે ભાજપ દલિતોને ત્યાં ઉકસાવવા માટે ઘડી ઘડી જતા હતા અને દલિતોને ઉકસાવતા હતા અને ભાજપ સરકારની વિરુદ્ધ બોલતા હતા। તો હવે दलितों पर त्या अत्याचार थाय छे तो जिग्नेश मेवाणी केम जता नथी? कारण के तकवादी छे, दलितों ना नामे रोटला शेके छे अने आ लोकोने ए खबर नथी पड़ती के ज्यारे भाजप हतुं त्यारे तमे विरोधमां बोलता था, हवे कांग्रेस आई गयुं एटले नथी जता। केम के तमे कांग्रेसनुं दलालीनुं काम करो छो। जेटला भी दलित नेताओ छे जे कांग्रेसनी आगळ पाछळ फरी गया छे, मारे एमने एटलुं कहेवुं छे के तमे पहेला दलित 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 ना नामे रोटला सीखता था, हवे कांग्रेस में जता रहा एटले दलितों ने भूली